नमस्कार मित्रों, आज है 14 नवंबर यानी बाल दिवस और नेहरू जयंती। यूपीएससी प्रीलिम्स को भी 195 डेज आर लेफ्ट। अब क्योंकि सोमवार है तो आप समझिए कल रविवार को पार्लियामेंट, कोर्ट, सरकारी ऑफिस सब बंद होगा, तो न्यूज़ के नाम पे कुछ खास है नहीं, तो ये जल्दी नहीं पड़ जाएगा। तो पेज 1 और 2 पे एडवर्टाइजमेंट, पेज 3 रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ उसके चलते ऑयल गैस सप्लाई और ऑयल गैस के प्राइजिस में काफ़ी डिसरप्शन आ गए, तकलीफें आ गई। तो कई देश जो पहले ऑयल और गैस पर निर्भर थे, वो सब ईस्टर्न यूरोप के देश अब सोच रहे हैं कि हम लोग भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा देते हैं, क्योंकि ये तो कभी भी युद्ध फट जाता है तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं और रशिया गैस पाइपलाइन बंद कर देता है तो हमें ये जमता नहीं। तो यानी युद्ध खुद में ही परमाणु ऊर्जा के लिए उद्दीपक का काम कर रहा है, उसको बढ़ोतरी दे रहा है। वॉर इज़ अ कैटालिस्ट फॉर एक्सपांशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ऐसा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के बॉस ने कहा है। दूसरा मुद्दा चल रहा है इकोनॉमी में कि अपना ये प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक वाला, हो सकता है वो 31 मार्च को ख़त्म हो तब अपने देश का GDP ग्रोथ रेट हो 6.5%, महंगाई दर हो 6.5%, सरकारी राजकोषीय घाटा फिजल डेफिसिट भी हो 6.5% ऑफ GDP, और RBI शॉर्ट टर्म के लिए अपने क्लाइंट्स को जो लोन देता है उसका ब्याज दर यानी रेपो रेट वो भी हो 6.5%। और ये अगर सब कुछ 6.5% में होगा तो भी वो बहुत मतलब मेहरबानी हो गई, बड़ी कामयाबी हो गई ऐसा माना जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत वांधे चल रहे हैं। महंगाई 7% से ज़्यादा है, GDP ग्रोथ रेट 6% से कम हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट और RBI कुछ ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि GDP, इन्फ्लेशन, फिजल डेफिसिट और रेपो ये सब कुछ 6.5% पे आ जाए, ऐसी कोशिश। मित्रों, G20 ग्रुप की 2022 की समिट इंडोनेशिया के बाली शहर में होने वाली है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जा रहे हैं, और अगले साल की समिट इंडिया में होने वाली है। अब स्वाभाविक है वो जाएंगे तो रोज़ बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलेगी, जब फाइनल उसमें वो डेक्लरेशन जारी करेंगे तब हम देख लेंगे। क्रिकेट के समाचार में वर्ल्ड T20 कप इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। फिर इधर उधर के और भी समाचार है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि कॉलेजियम सिस्टम बेस्ट है। मैंने आपको बार बार कहा कॉलेजियम सिस्टम एक बार पढ़ के ख़त्म करो, अखबार में आए इसलिए पढ़ने बैठो, वो तरीका ही गलत है। अब इसके बाद ये पेज 3 था जो कि फ्रंट पेज था, अब वहाँ से लेके पेज 4, 5, 6, 7 तक कुछ काम का नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है तो अलग अलग डॉक्टर ने सब कॉलम लिखी है कि लाइफस्टाइल चेंज करो, वजन कम करो वगैरह, लेकिन उसमें पढ़ के कोई खास जनरल नॉलेज इम्प्रूव नहीं हो रहा है। जो आप ऑलरेडी साइंस में बेसिक पढ़ लो ना कि Type 1 डायबिटीज़ क्या होता है, Type 2 डायबिटीज़ क्या होता है, पेंक्रियाज और इंसुलिन का क्या रोल है, वो सब आपको पता काफ़ी है। यहाँ पर जो चीज़ें या तो बहुत बेसिक बताई गई हैं या फिर एडवांस लेवल की चीज़ जो MBBS वाले को पता होना चाहिए, आम अपनी UPSC एग्ज़ाम में बहुत काम की है नहीं। पेज 8 से कॉलम, तो सबसे पहले कोटेशन सुवाक्य, जस्टिस इज़ द सम ऑफ ऑल मॉरल ड्यूटी, तमाम नैतिक कर्तव्यों का समेशन जोड़ लगाया जाए उसे हम कहते हैं न्याय। ये विलियम गॉडविन ने कहा था। विलियम गॉडविन कौन थे मुझे नहीं पता, मैं गूगल पे सर्च करने भी नहीं बैठूंगा। अगर फेमस आदमी है तो हमको पता है तो बराबर, अदरवाइज एटलीस्ट जो कोटेशन है वो तो हम याद कर सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, था जस्टिस इज़ द सम ऑफ ऑल मॉरल ड्यूटी। तो इस पर आप मंथन करिए कि निबंध में पूछा जाता तो मैं क्या लिखता इस पर। फिर जस्टिस की बात किए तो याद करो राजीव गांधी के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने जेल से रिहा किया, इस पर थोड़ी क्रिटिसिज्म वाली कॉलम लिखी गई है कि जेल में तो ऐसे सब हत्यारे तो और भी भरे हुए हैं, इनको ही छोड़ा गया जो, तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता इस पर निर्भर है कि वो जहाँ पर है वहाँ लोकल पॉलिटिकल सेंटिमेंट, स्थानिक राजनीति वाली भावनाएं क्या चल रही है। तमिल सब नेशनलिज्म, वो चाहते हैं कि हमारे लोग रिहा हो जाएं, और राजीव गांधी ने तो श्रीलंका में LTTE के खिलाफ जो सेना भेजी थी वो गलत था वगैरह। फिर ये गुजरात में बिल्किस बानू गैंगरेप के जो अपराधी थे उनको भी छोड़ा गया, तो लिखा है कि कोर्ट्स हैव अलाउड इंडिविजुअल लिबर्टीज़ टू बी डिटरमाइंड बाय लोकल पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स रादर देन बाय स्पिरिट एंड लेटर ऑफ द लॉ। वरना जिन लोगों ने किसी देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मारा तो वो तो आतंकवाद से कम नहीं है घटना, क्योंकि उसको मारा वो कोई जाति दुश्मनी नहीं, वो इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर था तब उसने जो डिसीजन लिए थे LTTE के खिलाफ इंडियन आर्मी को भेजने का वगैरह वगैरह। खैर, तो इसमें हमको खुद का कोई स्टैंड पॉइंट लिखना है ऐसा नहीं है,
जुडिशियल एथिक्स की कुछ बात हो मेंस पेपर 4 में, तो ये भी एक सोचने का मुद्दा कि ऐसा कुछ क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है कि उनको ऐसा लगता है। अमेरिका में जो चुनाव हुए उसमें क्या अच्छा बुरा हुआ, ऐसी कॉलम कुछ खास काम की नहीं। चाइना और अमेरिका के प्रेसिडेंट मिलेंगे G20 समिट में, तो क्या होगा? हाँ तो भाई उसको मिलने दो, फिर देखेंगे। चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी आगे बढ़ गया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है, ये भी हम कई बार देख चुके हैं, नया कुछ नहीं। तो ये थे पेज 8 के कॉलम। पेज 9 पे चलें, प्रोफेसर अशोक गुलाटी की एक तो कॉलम है कि जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अच्छे बुरे आयाम, बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इसको खुद फुल पढ़ो, जो भी इसने 700-800 वर्ड में लिखा है, ताकि आपकी वो इंग्लिश और आर्टिकुलेशन स्किल बेहतर हो। उसी तरह दूसरा कॉलम है शशांक जैन, अवर डायबिटीज़ चैलेंज, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। अब इसमें भी सब समझ आ जाए ऐसी चीज़ है, लेकिन फिर भी आप पढ़िए ताकि आपकी आर्टिकुलेशन स्किल बेहतर हो, कि आप 150-250 वर्ड्स में मेंस का आंसर लिख सके। क्योंकि आप जो भी इंजीनियरिंग बीकॉम बीए में आपने नोट्स पढ़े हैं और रटा रटा माल करके आपने कॉलेज एग्जाम पास किए, उतना अंग्रेजी उतने वर्ड्स काफ़ी नहीं हैं आपको लंबा सा कुछ निबंध लिखना हो उस खींचने के लिए, तो आपके पास ज़्यादा शब्द होने चाहिए, ज़्यादा आइडियाज़ होने चाहिए। उसी तरह तीसरा कॉलम है मिनी कृष्णन कि बच्चों को एम्पथी अनुकंपा सिखाने की कुछ ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनकी क्या वैल्यू सेट या कैरेक्टर होता है, एंटाइटलमेंट, सेल्फ ऑब्सेशन, नार्सिसिज्म, लो टॉलरेंस, इनएबिलिटी टू फोकस ऑन एनीथिंग फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम वगैरह वगैरह। लेकिन आप सोचिए ये जो बच्चे हैं ऐसे अगर हो गए हैं तो वी लर्न फ्रॉम अवर पेरेंट्स, हमारे माँ बाप से ही हम सीखते हैं, तो माँ बाप खुद ही इतने आजकल बिजी रहते हैं कि छोटा भी बच्चा आप देखो रो रहा है तो उसको शांत करने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, वो उसको मोबाइल या आईपैड में कोई गेम चालू करके दे देंगे, यूट्यूब पर कुछ कार्टून वीडियो चालू करके दे देंगे। तो जब पेरेंट्स खुद ही ध्यान नहीं रख रहे हैं बच्चों का, तो फिर आप स्वाभाविक है वो बच्चे ऐसे हो जाएं, एंटाइटल, सेल्फ ऑब्सेस्ड, नार्सिसिस्ट, लो टॉलरेंस, इनएबिलिटी टू फोकस ऑन एनीथिंग। अब ये भी आप समझिए, इट इज़ वेरी इजी, आपको ये पता है, लेकिन क्या आप ऐसा अच्छे से लिख सकते हैं? क्या आपके पास इतने वर्ड्स हैं, एंटाइटलमेंट, सेल्फ ऑब्सेशन, नार्सिसिज्म, लो टॉलरेंस, इनएबिलिटी टू फोकस ऑन एनीथिंग? तो यूपीएससी में जो सिलेक्ट होता है मेंस में निबंध में अच्छे मार्क लाता है, उसमें और बाकी में क्या फ़र्क है? बाकी लोग को भी तो समझ तो है ही कि यहाँ ये ऐसा ख़राब हो रहा है, बट ही हैज़ द वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट प्रॉपरली। इसलिए कम से कम हर हफ्ते 4 या उससे भी ज़्यादा आप कॉलम पढ़ने की आदत हो, और ऐसी 4-6 महीने आप एक्सरसाइज करो तो अपने आप आपकी हाथ खिल जाएगा और बहुत अच्छे से आप जवाब लिख पाएंगे। फिर ये डायबिटीज़ डे का और भी सब चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको थियोरी ख़त्म करो पढ़ के, टाइप 1 क्या, टाइप 2 क्या वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं पेज 14, एक्सप्लेन सीरीज़। अब इसमें ज़्यादातर चीज़ तो हमने पढ़ ली थी कल ही कि झारखंड में कोटा बढ़ाकर 77% किया और सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं कर सके, इसलिए 9th शेड्यूल में देने की बात, लेकिन IR कोयलो के इसमें बोला है कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम 9th शेड्यूल है तो इम्यूनिटी मिल जाती है। खैर मुझे तो पता है, हमने कल पढ़ लिया था, आपको नहीं पता तो एक्सप्लेन सीरीज़ देख लेना। फिर ये हरीश दामोदरन ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सब डेटा दिया है, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि अगला इकोनॉमिक सर्वे आने दो January-February 2023 में, उसमें वापस से एक बड़ा चैप्टर एग्रीकल्चर फूड मैनेजमेंट वगैरह का होगा, तब देख लेंगे। अपनी एग्ज़ाम कल सुबह नहीं है, कुछ लोग यही सोचते हैं अपनी एग्ज़ाम कल सुबह, और आज के न्यूज़पेपर में से 100 में से 90 क्वेश्चन आने हैं, इसलिए मुझे तो डेली 3 घंटे न्यूज़पेपर पे स्पेंड करने, भाई कौन पूछ रहा है इतना। उसके बाद स्वॉर्ड ऑफ शिवाजी, ये हमने देखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कहा जाता है 3 तलवारें हैं, उसमें एक भवानी तलवार जो सतारा में है, दूसरी है जगदम्बा तलवार जो बाद में शिवाजी द फोर्थ उन्होंने 1875 से 1876 के बीच ये जगदम्बा तलवार प्रिंस ऑफ वेल्स को उपहार यानी गिफ्ट में दे दी थी जब ये प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पे आए थे। क्रिटिक्स का ये कहना है कि शिवाजी द फोर्थ की उम्र उस वक़्त 1875 में करीब 11 साल की थी, तो उन्होंने ये गिफ्ट में दी थी तलवार उसकी जगह कि ये अंग्रेज़ों ने उन पर दबाव डालकर उनसे वो तलवार छीन ली थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बाकी सब राजाओं के साथ भी ऐसा ही किया था कि ऐसे जो ऐतिहासिक धरोहर हो, खासकर ऐसे जिसमें सब हीरे मोती जड़े हों, ऐसी चीज़ें वो ज़बरदस्ती ले लेते थे, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने वो तलवार वापस मांगी है, क्योंकि 2024 में छत्रपति शिवाजी महाराज की 350th कोरोनेशन एनिवर्सरी होने वाली है, उनकी जब ताजपोशी हुई थी उसको 350 साल होने वाले। फिर एक कॉलम है कि बिल्लियाँ आपकी बातों को सुनती है काम का नहीं, इमरान खान पहुँचे लाहौर से इस्लामाबाद तो अब क्या हो सकता है, 4 आउटकम हो सकते हैं, लेकिन वो सब एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे।
पेज 15, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू किया जाएगा तो सरकार को भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए ये गलत है, ऐसा इकोनॉमिस्ट अरविंद पनागरिया ने कहा। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एनपीएस ओपीएस मतलब क्या है? ये जो एनपीएस स्कीम है उसमें सरकारी कर्मी ने अपने पॉकेट से सैलरी से पैसा कटवाना है, गवर्नमेंट उसके खाते में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करे और ये सारा पैसा शेयर बाज़ार बॉन्ड बाज़ार में इन्वेस्ट होगा। अगर शेयर बाज़ार ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको अच्छा पेंशन मिलेगा, अगर शेयर बाज़ार डूब गया तो आपका पैसा डूब जाए, ऐसा डर है। तो सब सरकारी कर्मी ये ज़िद करते हैं, नहीं हमको तो ओल्ड पेंशन स्कीम दो। पुरानी पेंशन योजना ऐसी थी कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आप रिटायर हुए तो आखिरी महीने में आपकी क्या सैलरी थी, मान लीजिए 1 लाख रुपये, हाँ तो उसका आधा करो 50%, 50,000, तो तुमको हर महीने 50,000 रुपये पेंशन मिलेगा। तो स्वाभाविक है गवर्नमेंट ऑफिसर को तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तो मजा आएगा ना ये सब में कि मेरा तो हर महीने पेंशन आता रहेगा रिटायर होने के बाद भी। लेकिन ऐसे जो भी 20-30 हज़ार मान लीजिए राजस्थान सरकार में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो रिटायर हो रहे हैं, तो सोचो कितने लाखों करोड़ों का सरकारी बोझ गवर्नमेंट पे आएगा, क्योंकि उसने तो सारा पैसा देना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होकर रिटर्न हुआ है ऐसा तो है नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की इतनी तो कैपेसिटी है ही नहीं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए ये सब ऐसी वायदे किए जाते हैं, जबकि उतना सारा पैसा ओल्ड पेंशन स्कीम में न लगाते हुए गरीब कल्याण में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बेहतर करने में लगाया जाए तो ठीक होगा, ऐसा ये इकोनॉमिस्ट अरविंद पनागरिया का कहना है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़ जाएँ मेरे चैनल से तो उनको मैंने वापस सिखा दिया। मित्रों, मार्च महीने में गलती से मिस्टेक हो गया था कि हमारी कुछ ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही थी और एक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, उसका गलती से बटन दब गया होगा और वो पाकिस्तान में गिर गया था। उसकी सब इंक्वायरी हुई और मतलब कुछ गलत नहीं हुआ वगैरह की बात है, तो कुछ खास अब है नहीं। इजिप्ट के शर्मल शेख में COP27 क्लाइमेट चेंज समिट हो रही है, उसमें भारत कोई लॉन्ग टर्म लो कार्बन स्ट्रेटेजी का अनावरण करेगा। हाँ तो वो आज करेगा ना, तो कल आएगा, तो कल आएगी तो उसकी एक्सप्लेन सीरीज होगी, तो तब आराम से पढ़ लेंगे। अब थोड़ी डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें। गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ने सब आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरों को कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करके आगे ये कहना ये तकलीफ है वो तकलीफ है, तो तुम तकलीफों को फिक्स भी किया करो कभी। मतलब आईबी ऑफिसर शुड यूटिलाइज देयर स्किल एंड नेटवर्क टू एंगेज विद द ट्रबल मेकर ग्रुप्स एंड एड्रेस द अदर की एरियाज सच एज ड्रग ट्राफिकिंग। मतलब सिर्फ और सिर्फ सूचना इकट्ठी करना नहीं, लेकिन समस्याओं का समाधान कैसे करें वो भी उसको देखना चाहिए। हालांकि उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं कि आईबी ऑफिसर का काम है बिना नज़र में आए जानकारी इकट्ठी करना, तो वो अब जासूसी कर रहा है और उसको लगे ये गलत हो रहा है या ये अटैक करने वाला है, तो उसको वो आगे उसने जो भी NIA या ATS या CID या किसी CBI को भेजना होगा इन्फॉर्मेशन, वो खुद तो झंडा लेके उस कर फायरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उस जासूस का काम है जासूसी करना, उसको जेम्स बॉन्ड नहीं बनना होता है, लाइसेंस टू किल नहीं है उसके पास। खैर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, पंजाब में आजकल गैंग वॉर, खुलेआम सड़क पे लोगों को गोली से मार देना आपसी रंजिश में, ये सब बढ़ रहा है। तो पंजाब राज्य सरकार ने ये कहा है कि अब से सोशल मीडिया में, धार्मिक और ये शादी ब्याह के जलसों में ना आप हथियार दिखा सकते हैं, ना उसमें से गोलियां चला सकते हैं, ना ऐसे गाने बजा सकते हैं जिसमें हथियारों रखने का और हिंसा करने का महिमा मंडन हो। पंजाब गवर्नमेंट बैंड्स द पब्लिक डिस्प्ले ऑफ फायरआर्म्स सॉन्ग्स ग्लोरीफाइंग द वेपन्स। आगे बढ़ते हैं पेज 16। वो 10% EWS कोटा सही है, उसके बारे में लंबी सी वापस कुछ इंटरव्यू सीरीज़ है, आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं, वरना चार प्रमुख मुद्दे तो हमने देख ली। पेज 17 इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि G20 समिट होने वाली है इंडोनेशिया के बाली में, तो उसके सब फोटोग्राफ और उसमें क्या उम्मीद है ये सब चल रहा है। अमेरिका के इलेक्शन के समाचार काम के नहीं, और उसके अलावा इधर उधर जेम्स बॉन्ड टाइप के समाचार काम के नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज 18 इकोनॉमी। मित्रों, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ टेक्निकल नियम है जिसका नाम है GNA, जनरल नेटवर्क एक्सेस, और उसमें ये वो करें वो पढ़ने नहीं बैठे, इतना टेक्निकल कोई पूछता नहीं, मैक्सिमम खींच के अच्छा GNA क्या, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ तकनीकी नियम है। दूसरी हम बात करें 5G, 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक एंटी आर्ग्यूमेंट ये था कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं उसके अल्टीमेटर डिवाइस के साथ वो डिसरप्ट कर देगा और जोखिम है। अब एक और नया जोखिम दिखता है कि 5G नेटवर्क के चलते टेलीविज़न का जो ब्रॉडकास्ट है उसके सिग्नल में इंटरफियरेंस आ सकता है। उसका कारण ये कि भारत में टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट वो 3700 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 4200 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में चलता है, और ये जो 5G का बैंड है, स्पेक्ट्रम है जो भी, उसे करीब 3300 से लेके 3670 मेगाहर्ट्ज़ तक वो चले। तो आप समझिए दो गाड़ियाँ पैरेलल चल रही है,
तो आपने पढ़ा होगा वो ट्रक के पीछे भी आप चलाते हैं तो वो लिखा होता है कि गाड़ी अपनी 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर दूर रखो वरना एक्सीडेंट हो जाए। तो यहाँ आप ऐसा विजुलाइज करो कि दो पैरेलल सिग्नल चल रहे हैं, एक 5G का चल रहा है, एक टेलीविजन का चल रहा है, तो दोनों के बीच कम से कम 100 MHz का अंतर होना चाहिए। कि अगर टेलीविजन का सिग्नल 3700 MHz पे चल रहा है तो 5G का सिग्नल 3600 पे चलना चाहिए, लेकिन वो बहुत करीब आ जाए कि 3600 नहीं 3670 80, तो फिर आपस में एक दूसरे को इंटरफियर करेंगे और टेलीविज़न का चैनल ठीक से नहीं चलेगा। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में ऐसा डिसरप्शन देखा गया है, तो उनके सब चैनल ऑपरेटर ने शिकायत की है कि एटलीस्ट 100 MHz का गार्ड बैंड होना चाहिए, मतलब इतना कम से कम अंतर होना चाहिए 5G और टेलीविज़न बैंड के बीच। इसमें भी अभी हो सकता है, कल इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सीरीज चला है, उसमें अच्छा सा उसने इन्फोग्राफिक्स बना के दिया होगा, वैसे मैं भी बना सकता हूँ, पर उसके अंदर मुझे और 15-20 मिनट स्पेंड करने पड़े, तो हमें कभी भी पहिए का पुनः आविष्कार नहीं करना है। वी शुड नॉट री इन्वेंट द व्हील। जब मुझे पता इंडियन एक्सप्रेस वाला कुछ बना देगा तो मैं क्यों बनाने बैठूँ। इसलिए नहीं कि मैं काम चोर हूँ, लेकिन मैं उतना काम कुछ और मैं उतना टाइम कुछ और दूसरी प्रोडक्टिव काम में निकाल सकता हूँ। एंड द सेम एडवाइस टू यू, खुद से नोट्स क्यों बनाने हैं भाई, जब तक आपको किसी और के बनाए नोट्स मिल रहे हैं तो उसी को पढ़ के मेमोराइज कर लो ताकि टाइम बचे, वरना आपका उसी में सब निकल जाएगा टाइम। और यूपीएससी को अभी जो भी 6 महीने और कुछ ही हफ्ते बाकी हैं, आगे बढ़ो। फिर कंपटीशन एक्ट में कुछ सुधार करेंगे, और ये इतने दिन के बदले इतने दिन, भाई इतना टेक्निकल कुछ खास काम का नहीं लगता, तो हम अभी दिमाग स्पेंड नहीं करेंगे। पेज 19, स्पोर्ट्स, वही सब फुटबॉल और क्रिकेट के समाचार चल रहे हैं। इंग्लैंड वर्ल्ड कप T20 जीता पाकिस्तान को हरा के, वो जाने लायक चीज़ थी, बाकी तो सब ठीक है। तो ये था आज का न्यूज़पेपर, सी यू नेक्स्ट टाइम।